Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद निशित. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे. और अब हेडलाइंस के साथ है निशित कुमार. डोमेस्टिक स्टॉक्स गेन मोर देन हाफ अ परसेंट अमिड पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट्स. सेंसेक्स क्लोज्ड अबव द 57,000 मार्क. निफ्टी सेटल्स अबव द 17,000 लेवल. The rupee appreciates 31 paise against the US dollar and crude oil prices rise above the $75 per barrel. वैश्विक बाजारों में मजबूती के बीच घरेलू बाजारों में आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी. सेंसेक्स 57,000 के स्तर से ऊपर और निफ्टी 17,000 के ऊपर पहुंचे. रुपए में डॉलर के मुकाबले 31 पैसे की मजबूती हुई दर्ज और कच्चे तेल का मूल्य $75 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचा. शुरुआत करते हैं शेयर बाजारों से, जहां सेंसेक्स और निफ्टी आज आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी में रहे. वैश्विक शेयर बाजारों में बढ़त के बीच सेंसेक्स 57,000 के स्तर को पार कर गया और निफ्टी 17,000 से ऊपर बंद हुआ. कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.68 प्रतिशत की तेजी से 385 अंक बढ़कर 57,315 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.69 प्रतिशत की वृद्धि से 117 अंक चढ़कर 17,073 पर पहुंच गया. व्यापक बाजार का प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से बेहतर रहा. बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.01 प्रतिशत की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.73 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई. The Sensex and the Nifty today gained more than half a percent. Both the stocks rose amid gains in the global equity markets. The Sensex climbed above the 57,000 mark while the Nifty was up above the 17,000 level. The Bombay Stock Exchange Sensex rose 385 points or 0.68% to trade at 57,315. The National Stock Exchange Nifty also surged 117 points or 0.69% to trade at 17,073. And in the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap gained 1.01% while the small-cap index rose 0.73%. And in the Sensex pack, shares of 20 companies climbed while 10 fell. Power Grid climbed 3.4% followed by ITC, which surged 2.5%. Bajaj Finance climbed 2.1% and Infosys added 1.8%. On the other hand, Bharti Airtel declined 0.9% while Maruti and Sun Pharma both slipped 0.6%. And in the sectoral indices, 17 out of the 19 sectors gained. Realty sector stocks were top gainer as the index climbed 2.2%. Oil and gas and power both surged 1.5%. Utilities added 1.4%. On the other side, telecom sector stocks fell 0.8%. The overall breadth of the Bombay Stock Exchange trade was positive as shares of 2,162 companies gained while 1,170 fell. Shares of 117 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 31 पैसे मजबूत रहा और 75.24 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 0.03% बढ़कर 96.11 पर था. और अब ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव नागपाल. राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में. धन्यवाद सर. सबसे पहले हम चर्चा शेयर बाजार पर शुरू करेंगे, जहां से अच्छी खबर है. लगातार तीसरे सत्र हमने देखा है कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में उछाल आया है. पूरे बाजार में कहीं ब्रॉड बेस्ड उछाल आया है. क्या आपको इसके प्रमुख रीजंस दिखाई देते हैं और आगे की आउटलुक? कुछ तो दो रीजन रहे. एक तो शॉर्ट कवरिंग जो है, एक पार्ट है जो कि प्ले आउट होता है व्हेन वी एंटर इनटू द, यू नो, वेयर क्लोज टू द एक्सपायरी ऑफ अ सीरीज, तो वो एक रीजन रहा है. दूसरा के पिछले अक्टूबर से लेके अब तक हमने एक मार्केट में करेक्शन देखी है, जिसमें ये तो नहीं कहूंगा कि वैल्यूएशन बहुत चीप हो गई थी, बट थोड़ा बहुत जो मिड कैप्स में बहुत ज्यादा गुब्बारा बन गया था वो थोड़ा सा करेक्ट हुआ है. तो ये
ऐसा नहीं है कि ये जो तीन दिन की तेजी है इट इंडिकेट्स अ रिवर्सल ऑफ द करेक्शन विच वी वेंटेड, बट प्रॉब्ली शोज के जो हमारी करेक्शन है वो एक रेंज बाउंड मोड में रहेगी बायस टुवर्ड्स डाउन साइड। तो अभी जब तक ये अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो 17,500 या 17,600 से ऊपर नहीं जाता तब तक ये कहना मुश्किल है कि वो खत्म हो गया, बट आई वोंट गिव सो मच ऑफ वेटेज कि ये दो तीन दिन की तेजी है, बिकॉज जो हेडविंड है अभी भी वो चाहे रिस्क ऑफ ओमिक्रॉन हो, स्पाइक इन नंबर ऑफ केसेस, फेड की टाइटनिंग तो ऑब्वियसली इज अ नाउ अनोन फैक्टर, एक अदर राउंड ऑफ राइज इन ऑयल प्राइसेस, वो जो हेडविंड है वो प्रॉब्लम जो है अभी भी बाजार के ऊपर मंडरा रही है। लेट्स सी हाउ दिस सिचुएशन यू नो इवॉल्व। तो अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है आप कहेंगे? या हाँ, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। हम कई बार ये लगता है कि अगर बाजार बढ़ गया तो जो फैक्टर्स हैं जिन्होंने बाजार को डिक्लाइन कराया वो शायद खत्म हो गए या वो प्राइसिंग हो गए, बट मेरे अनुमान में वो ऐसा नहीं है। अभी भी रिस्क बाजार को जो कि बहुत रिस्क बाजार को और ऑल्सो टू दी ग्लोबल इकोनॉमी एंड सप्लाई चेन जो डिसरप्शन है जिसने इन्फ्लेशन कॉज करी है वो अभी भी काफी हाई। राजीव, यू टॉक ऑफ द स्ट्रॉन्ग हेडविंड्स एज इन पुलिंग डाउन द मार्केट्स, बट इफ यू फैक्टर इन दिस ओमिक्रॉन थ्रेट, एक्चुअली डू यू फील दैट इट इज एज बिग अ थ्रेट एज टू पुल डाउन मार्केट्स लेट्स से बाय अनदर 10-15%? बिकॉज गिवन द रिपोर्ट्स दैट वी हैव बीन सीइंग और रादर हैविंग दीज रिपोर्ट्स, इट डजंट लुक लाइक दैट्स ओमिक्रॉन गोना ग्रो वेरी बिग इन द टाइम्स टू कम। व्हाट डू यू फील? सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक द आंसर फॉर द राइट आंसर वुड बी विद एन you know, whether an epidemiologist or somebody who is an expert in that field, we are all information essentially based on the news reports, and I think news reports change their color and tenor every few hours. So once you know there is some report which says in UK, some report which says comes from US, all those things, you know. So in a situation like this, I would prefer that, you know, as an investor, I would not take risk. You know, there is no one, I mean, like last year also, we never thought that, you know, we will have a second wave would be so devastating in terms of human life. But we still had it. So we never know what's going to happen out. So that's a moving part which nobody actually has a clear answer to it. Well, Rajiv, I mean, right now it's, you know, hospitalization and less. It's too early to assume. I mean, like, and especially if you look at numbers, probably numbers are coming less in terms of the Omicron is because genomic sequences take time, and not every case which is being tested positive is being tested for its whether it's which variant has happened, you know, is causing it. Yeah. So in this case, and because again, let's take our, you know, typical Indian, especially in the North Indian attitude of ki farak padta, you know, somebody has just some zukam hai, do din ka hai, ya kuch nahi hai. Nobody is going to go and test and all. So you know, you never know that, you know, there are people who are out with that virus and they're not bothered about it because it's not making them feel sick, not making them breathless, or you know, a typical signs of you know, a COVID like loss of smell or taste is coming. So people are ignoring, and also see, it's a season of flu. So you never know. So to me, if I was to look at from an investor perspective, I won't take the risk of hazarding that this is nothing. So आपको लगता है कि अभी defensive sectors पर ज्यादा focus होना चाहिए investors का और large caps पर ज्यादा focus होना चाहिए? Large cap कहूंगा, पर मेरे ख्याल से defensive ऐसा कोई sector अगर आप IT को छोड़ दें तो उसके अलावा मुझे तो हिंदुस्तान में ऐसा कोई sector नहीं लगता जिसे आप डिफेंसिव एक्सप्लेन कर सकते हो। आई मीन ट्रेडिशनली फार्मा, FMCG, इनको भी डिफेंसिव में माना जाता है। ट्रेडिशनली देखिए, ये बहुत साल पहले, आज से 20 साल पहले आप बात करेंगे इसके HUL और नेस्ले ऑफ द वर्ल्ड को डिफेंसिव माना जाता था। माना ये जाता था कि भाई आदमी कुछ करे या ना करे वो तो ब्रेड भी खाएगा और साबुन भी यूज करेगा और पेस्ट भी यूज करेगा, तो इसलिए जो उनकी जो ग्रोथ है वो किसी एक टाइम पे होती रहेगी। बट डिफेंसिव, एंड आज वो डिफेंसिव इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो उनकी सिंगल डिजिट ग्रोथ रह गई है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो दे आर इन एब्सोल्यूट लेवल वेयर दे हैव नॉट बीन, मतलब 80-85-100 के मल्टीपल्स पे वो ट्रेड हो रही है। तो डिफेंसिव उस तरीके से नहीं है, सिर्फ एक रीजन है
क्योंकि इन स्टॉक्स में फ्लोटिंग स्टॉक्स बहुत कम है। अगर आप देखेंगे तो जितने शेयर नेस्ले के आज से 10 साल पहले बाजार में थे आज उतने ही है, वो चार इंडेक्स में जा चुका है, उसकी लिक्विडिटी कम हो चुकी है। इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट जो आता है डिमांड का वो स्टॉक प्राइसेस, क्योंकि लिक्विडिटी कम है बाजार में, फ्लोट कम होता जा रहा है तो वो ज्यादा बढ़ा देता है, तो इसलिए ये स्टॉक घटते कम है। लार्जली इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कम है, तो जो जिनके पास है भी वो लोग शेयर बेचना ही नहीं चाहते, तो वो उस हिसाब से डिफेंसिव होता है। बट इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव अगर आप एक्चुअली लेंगे कि अगर स्लो डाउन होता है, अगर ग्लोबल इकोनॉमी में इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो डिफेंसिव उनकी अर्निंग्स कम होंगी, वो सिर्फ एक आईटी क्षेत्र है। जहां तक फार्मा की आपने बात करी, फार्मा में डिफेंसिव प्ले वो हो जाएंगे कि जिनकी मेडिसिन का देखिए उसमें बहुत अलग फर्क हो गया है कुछ। अब इंडिया फार्मा डिफेंसिव इसलिए नहीं आप कह सकते क्योंकि वो लार्जली डिपेंड करता है जेनरिक सेल्स इन यूएस मार्केट्स, जहां पे प्राइसिंग प्रेशर अभी है, तो द एलिमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग मेक देम स्लाइटली डिफेंसिव के रूपी वीक हो जाएगा तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज देयर एक्सपोर्टर्स या उनकी इनकम बढ़ जाएगी। बट आई डोंट थिंक दैट इज ऑल्सो नाउ क्लासिकल सेंस में डिफेंसिव है। द डिफेंस चेंज ऑफ द डेफिनेशन कीप्स हैपनिंग ओवर यू नो एवरी फ्यू ईयर्स। Let's discuss something of the other sectors which are kind of more vulnerable, we would say. Let's say aviation and hospitality. Now with reports coming in of this Omicron variant spreading fast and wide, rather, you know, we heard Germany kind of closing its borders for the UK passengers. As it is, UK have been kind of clocking more than a lakh numbers. Just today or yesterday itself, it had clocked more than 1 lakh cases in a single day. So do you think, once again, that these kind of vulnerable sectors would once again be kind of be there in the negative in the coming times? They see, business-wise, they have been under pressure and large number of them have huge debt levels. I mean, in any case, I'm not a great fan of aviation. Because see, when it comes to investing, you have to figure out a sector where there is an element where there is a history which proves in terms of earnings that earnings have been stable and there have been periods when there have been extraordinary growth. So as far as aviation is concerned, to me it's a strict no-go out there. Let's see how it pans out. I mean, there is a huge scope in terms of probably an airline company making money, but what happens to the shareholder is a different story altogether. Yeah. As far as the hospitality is concerned, surprisingly, if you look at last 18-19 months of price charts of these hospitality stocks, what has happened is that, you know, again, because there was flush of money, and when there was, despite the fact that these stocks did not sell so much, if you come as to look at the, compare them with the, what has happened to the, these kind of stocks in international market, those stocks fell very sharply. These stocks did not fell extremely sharply, but at the same time, because of the liquidity, when they, you know, witness a huge amount of inflows in them, in some cases, the stocks are higher than the what they were in, say, 2020, which is the, you know, and earnings are not even one-fourth of that. Mm-hmm. So that way it's expensive, but again, you know, it's every while the prices should be determined by fundamentals, but the problem is that it's a technical reason of low floating stock, being in the hands of few people, all those things, you know, have created a situation where in India, these stocks have not, you know, have kind of would appear to you as if they have performed extremely well. So, well, they might correct a bit. I mean, you know, another 15-20% is no big deal. I mean, that is part of a routine correction. But to me, they have not fallen. So there is no reason for, you know, to see them until unless, you know, some of these companies go belly up because they had a high level of debt. I mean, some of the hospitality companies in the listed space have high level of debt. Some of the exhibitor in this space of, you know, movie halls and all have huge amount of debt on their books. So I think probably if things turn bad, there could be a serious problem for them. But let's see how it pans out. Rajiv ji, banking sector ki agar hum baat kare to recently underperformer raha hai ye sector. Kaisi aapko sthiti dikhai deti hai banking sector ki aur aage ka outlook kaisa dikhai deta hai? मैं सोनू जी आपके पहले प्रश्न जो आपने प्रश्न पूछा उसका पहला भाग है कि अंडर परफॉर्म क्यों करा, क्योंकि इसमें एफपीआई और एफआई की जो मैक्सिमम होल्डिंग अगर हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग इज वन सेक्टर जहां पे उनकी मैक्सिमम होल्डिंग है। पिछले 3 महीने से वो नेट सेलर रहे हैं इंडिया में लाइक एनी अदर इमर्जिंग मार्केट। तो बिकॉज उनके पास जो उनके पास सामान है
अगर उनको एग्जिट करना है तो वो उसी को बेचेंगे। उसमें से कई फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स जो है, दे हैव गिवन देम सुपरलेटिव रिटर्न। सो उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग, कुछ सेलिंग वगैरह सब आ रही है। दूसरा, अगर आप ऑन ग्राउंड की बात करें तो मेरे हिसाब से जो एक बैलेंस शीट का क्लीनअप फेज शुरू हुआ था 2014 के आखिर से लेकर 2019-20 तक, वो हो चुका है। जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स आने थे वो हो चुके हैं। क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट आज फार मोर स्ट्रॉन्गर है, फार मोर बिलीवेबल नंबर्स हैं। तो कुछ फंडामेंटल जो है वो ऑन अ स्ट्रक्चरल बेसिस तो बेटर हुए हैं, बट क्रेडिट ग्रोथ कम है जी, एक्सेप्ट इन हाउसिंग है, और फिर उसके बाद कुछ आके प्रॉब्लम आ गई है रिटेल की जो लेंडिंग हुई है, स्पेशली अनसिक्योर्ड लेंडिंग स्पेस में जो कुछ थोड़े बहुत इश्यूज हैं, उनको लेके आने वाले टाइम में कुछ शायद वो है कि शायद नंबर बढ़ जाए, या कोविड के दौरान अगर ये फिर दोबारा से पार्शियल लॉकडाउन होता है तो बिजनेस इम्पैक्ट वगैरह होगा, तो उसके चलते उस डर के चलते ही है। बट वैल्यूएशन वाइज दैट इज अ स्पेस जहां पे आपको वैल्यूएशन कम्फर्ट है, बट अगेन वैल्यूएशन कम्फर्ट इट सेल्फ इज नॉट द रीजन कि आप बाय करें, ग्रोथ हैज टू बी देयर। तो ये कैश 22 टाइप सिचुएशन है कि वैल्यूएशन चीप लगती है पर वो थोड़े दिनों बाद और चीप हो जाती है जी। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर ही अच्छी वैल्यूएशन वाले आप डिपेंड कर दीजिए कि अच्छी, अगेन बैंकिंग इज वन एरिया जहाँ पे आपको बिल्कुल बहुत स्पेसिफिक बैंक को देखकर, उसकी क्वालिटी ऑफ बुक, उसकी मैनेजमेंट, उस सबको देख के ब्रॉड ब्रश नहीं कर सकते। अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक भी देखेंगे, HDFC बैंक, बैंक ऑफ पंजाब अब तो खत्म हो चुका है, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, ये सारे बैंक एक समय खुद जब प्राइवेट बैंक से आए थे तब आए थे, उसमें से एक बैंक बचा है विच इज HDFC बैंक विच इज डन एक्सट्रीमली वेल। तो उस टाइम पे सो द पॉइंट इज कि अगर आप बैंक की बात करेंगे, इफ यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ HDFC प्रॉब्ली कुछ महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, उतना तेज नहीं चलता जितना पिछले बुल रन में चलता था, डज नॉट मैटर, थोड़ा टाइम अंडर परफॉर्म करेगा, थोड़ी ओनरशिप स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो चेंज होने के बाद सर राजीव, इवन द गवर्नमेंट हैज शोन क्वाइट सम इंटेंट इन क्लीनिंग अप द बैंकिंग स्पेस, द मेस दैट वी हैव बीन कैरिंग फॉर सम टाइम नाउ, विद गवर्नमेंट एक्चुअली पुशिंग फॉर दिस प्राइवेटाइजेशन। एट द एंड ऑफ द डे इफ यू लुक एट द ट्रैक रिकॉर्ड, PSU banks have been bailed out by taxpayer money for a very long period of time. That's right. Why they should be like, See, government ownership is very different from being run by the government. Indeed. If the chairman of the bank, in case of PSU bank, the problem is not of the financial, it's an HR problem. A chairman comes, has a tenure of 2 years. Yes. By that time, he implements his vision and thought process, it's a time for him to say goodbye and tata. Yes. And he will say, I'm there for 2 years, why should I try and do any transformational reform? Absolutely. Look what happened to Mr. the former chairman of SBI. Yes. I mean, if that is going to happen, nobody is going to put his neck out and say, okay, I'm going to take the initiative of doing some structural reform and try to change the things for better with a long-term perspective. Absolutely. So all those things are something. So, but if they are, if the government stake is, let's say, less than 51%, and there's a professionally run board, and both takes a decision, and it has happened. Look at the case of banks like UTI, now Axis Bank, UTI Bank. Yeah. They had government ownership. In fact, that is the whole effort of the government to privatize and professionalize. Exactly. And that is, if that happens, that probably would be the next big reform. Absolutely. Which is required after GST and which probably has changed, and people have still not realized how it has changed India. Yeah. Probably government is actually on the money when they're pushing for this privatization thing. Though unfortunately, for whatever reason, it couldn't be pushed in. The legislation could not be pushed in the current, with the just concluded winter session. But anyways, I'm sure they will be coming up with this thing in the coming budget session. Well, Rajiv, coming on to some one more very important sector, that is the auto sector. Now, with the general and particularly government push for the electric vehicles gaining traction, with the ambitious target of phasing out almost all the conventional fuel vehicles by 2030. What scope do you see coming in the auto sector in the coming times? See, right now there's a disruption which is happening. But the good part is,
if you look at all the auto companies, see, they have the ability of the balance sheet, the cash levels, mm-hmm. with which they can kind of move into the EV space. Mm-hmm. And, you know, some companies have even been able to raise money at a very decent valuation in their EV business. So, yeah. I would not say that, you know, this is like all of a sudden there is a, you know, there's going to be a change in the auto this thing. But I think probably for next couple of quarters, how things pan out, I mean, there are some news reports which said that, you know, which said even Tesla is going to get into EV space in scooters. Mm-hmm. There was a news report which said that. So I don't know how it's going to pan out. But it's again a hope. And I think given the fact that there are very mature management who have seen, who have weathered all problems of, you know, in the last 25 years, and they have come out absolutely with flying colors. So the management has the bandwidth and the finances to get into this space. I think probably most of them are waiting for some kind of a stabilization before they announce and raise their money. So for some time it's going to be painful. राजीव जी, अगर हम अभी आप इलेक्ट्रिक स्पेस की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर हम जो करंट टेक्नोलॉजी है, कार्स हैं, टू व्हीलर सेगमेंट है, दोनों में ही हम देख रहे हैं टू व्हीलर सेगमेंट में डिमांड में स्क्वीज है, और कार्स में जो सप्लाई शॉर्टेज है, चिप शॉर्टेज है, सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि नवंबर में सेल्स नीचे आई हैं। आपको लगता है कि ओमिक्रॉन चाहे हेल्थ वाइज उतना इंटेंस ना हो, लेकिन ये जो सप्लाई चेन शॉर्टेजेस है, ये शायद ज्यादा बढ़ सकती है? थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि ये, और यही बात थी कि ये ओमिक्रॉन, चलिए हेल्थ वाइज ईश्वर करे ऐसा ही हो कि किसी को ना ज्यादा फैले और ना ज्यादा नुकसान हो इन लोगों को, बट जो डिसरप्शन इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन है वो अगर कर देगा तो इन्फ्लेशन पे इशू आ जाएगा। इन्फ्लेशन पे आएगा तो जैसे यूएस फेड ने कहा कि वो बहुत अग्रेसिव हो गए हैं, वो सारी चीजें जो है वो दे विल पैन आउट एंड मेक थिंग्स ट्रबलसम फॉर यू नो एज फार एज द मार्केट इज कंसर्न। एंड अगर टोटल लॉकडाउन नहीं होता या इंडस्ट्रियल फेजेस, सी एक और चीज देखिए, अगर आप सोनू जी देखेंगी तो सी सम ऑफ द कंपनीज आर वेरी कीन कि ये सप्लाई चेन डिसरप्शन बनी रहे, बिकॉज व्हाट दे आर एबल टू डू इज इफ यू लुक एट सम ऑफ द नंबर्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ ग्लोबल कंपनीज, उनके नंबर बेटर आए इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। यू नो अगर मेटल कंपनीज आप देखेंगे तो जो स्टील का भाव 45 रुपए की चीज आती थी वो 80 रुपए की हो गई, तो उनके मार्जिन उन्होंने पैसे कमाए। सो फॉर सम पीपल प्रॉब्ली डिसरप्शन हैव काइंड ऑफ यू नो बींग मोर यूजफुल देन हार्मफुल, सो दे प्रॉब्ली वुड यू नो ट्राई यूज एक्सक्यूज टू फर्दर रेज द प्राइसेस। जैसे ओपेक ने अपना कार्टेल बना के प्रोडक्शन कट्स को वो देखिए और नहीं करने, 10-15 साल जो वो जितना पैसा आप वो स्क्वीज करना चाहते हैं करने, उनको भी मालूम है कि द मोमेंट ईवी इन्फ्लेक्शन स्पेस वो पॉइंट आ जाएगा, स्पेशली इन एक्सईवीज एंड एलसीवी द बिगेस्ट डिसरप्शन विच इज गोइंग टू कम प्रॉब्ली एंड विच इज विजिबल इन यूएस इन सम सेगमेंट्स इन द एक्सईवी स्पेस इन द ईवी। Indeed, indeed, Rajiv. There has been this joke going around that they have the parties for the next maybe almost for 10 to 15 years, not more than that, before the EVs take over. Yes, yeah, and that is where they are going to see. That is where structurally, what is the biggest problem of India is this: if there is oil price increase, our fiscal deficit goes for a 6. So that is where you look at it for some of the, you know, for funds like CalPERS and all who invest for 2 decades, 3 decades. For them, India is a story which is going to be there for, you know, for till the time their fund exists. जी, सो आप अगर राउंड अप करें तो आपको क्या लगता है इस वर्ष, ये वर्ष ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, कैसे देखते हैं आप इस वर्ष को और आने वाले वर्ष के लिए आपको क्या लगता है मार्केट का आउटलुक क्या रहेगा? मुझे इस वर्ष जो तेजी वन वे देखी है, आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग टू बी रिपीटेड इन 2022। उसके कुछ डोमेस्टिक रीजन भी होंगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ इवेंट ऐसे होने हैं, कुछ इवेंट बेस्ड यू नो है, एंड अनलाइकली कि आप 20 में भी आपने तेजी देखी और 21 में भी, और वो रिपीट होगा बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन और लिक्विडिटी दो चीजें थी जो कि टेलविंड थी, अब वैल्यूएशन की टेलविंड खत्म हो चुकी है, लिक्विडिटी की भी खत्म हो चुकी है, तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा, इंडेक्स लेवल को छोड़ दीजिए तो, लेकिन आई थिंक मार्केट विल टर्न मोर सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक इन 2022।
जी, इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डालने के बाद एशियाई बाजारों में आज सामान्य तेजी दर्ज हुई। जापान का निकेई सूचकांक 0.8%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.6% और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.5% की बढ़त में रहे। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.4% और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.3% की वृद्धि दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां भी अंतर दिवसीय कारोबार में बढ़त का रुख था। लंदन का फुटसी 0.2%, फ्रांस का कैक 0.4% और जर्मनी का डैक्स 0.6% की बढ़त पर थे। नाउ मूविंग ऑन टू द यूएस मार्केट्स, द यूएस स्टॉक इंडेक्सेस गेन्ड यस्टरडे आफ्टर इन्वेस्टर्स चीयर्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक डेटा एंड द व्हाइट हाउस सेड इट वाज रिज्यूमिंग टॉक्स ऑन अ मेजर सोशल स्पेंडिंग बिल विथ अ सेनेटर क्रूशियल टू पासिंग द लेजिस्लेशन। द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एडेड 0.7% एंड द S&P 500 रोज 1% एंड द नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स जंप्ड 1.2%। राजीव, अगर हम फेड की बात करें, फेड ने ऑलरेडी टाइटन किया है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपने जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स, उसमें वृद्धि की है, लेकिन जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है आरबीआई गवर्नर की, उन्होंने कहा है कि ग्रोथ को अभी भी पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत है भारत में, ताकि जो ग्रोथ है वो ड्यूरेबल रहे, सस्टेनेबल रहे। सो आपको लगता है कि भारत में शायद अभी कुछ समय के लिए हम राहत ही देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रंट पर? ठीक है, वो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक वो ऐसा कर पाएंगे, बिकॉज अगर ग्लोबली जो अगर इंटरेस्ट रेट टाइटन होना शुरू हो गए तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक एक और एक पॉलिसी और तक वो अकोमोडेटिव रख लेंगे, मैक्सिमम दो रख लेंगे, बट इट्स ओनली द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कॉल मनी मार्केट से आपको दिखते हैं उसकी इंडिकेशन आनी शुरू हो जाएगी, यील्ड्स की इंडिकेशन आनी शुरू हो जाएगी कि यू नो इट्स अ टाइम दैट दे विल हैव टू start increasing the rates sooner than later. And also, Rajiv, they will also have to factor in the inflation fears as well with the continued ultra-commodative stance with the central bank. Right now, also the real inflation is much higher than what we see. Yes, indeed. And now, moving on to oil now. Oil prices today witnessed modest gains in the intraday trade. Brent crude was trading around $75.50 per barrel, while the WTI crude prices were at $72.90 per barrel when reports last came in. चले सोने की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध के लिए सोना 20 रुपए की मामूली गिरावट से 48,180 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च में आपूर्ति वाली चांदी भी 70 रुपए की गिरावट से 62,120 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,805.50 प्रति आउंस पर था, जबकि चांदी कमजोर होकर $22.80 प्रति आउंस पर थी। ब्रीफली, आपको लगता है कि चांदी में अभी निवेश करना अच्छा है क्या, सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट के रूप में? नहीं सुनो जी, मैं आई डोंट नो मच अबाउट दैट कमोडिटी, सो इट वुड बी रॉन्ग टू गिव एनी प्राइस फोरकास्ट फॉर दिस कमोडिटी। समय समाप्त हो रहा है कार्यक्रम का, तो चर्चा को भी यही समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। And before we close, a reminder of the headlines once again. Domestic stocks gained more than 0.5% amid positive global markets. Sensex closed above the 57,000 mark. Nifty settles above the 17,000 level. The rupee appreciates 31 paise against the US dollar. And crude oil prices rise above the $75 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar along with me, my co-anchor Sonu Sood, saying adios. Until we meet again the next time, goodbye. Namaskar. Market Mantra.